हेलो नी हाउ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है सूरज निकला हुआ है, मौसम बड़ा कमाल का है, सर्दी भी नहीं है। आज सूरज आज काफ़ी बड़ा लग रहा है। दो दिन पहले तो काफ़ी सर्दी थी, लेकिन अभी जो है मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये सोसाइटी हैं इधर लोग रहते हैं, ये सोसाइटी है, और इधर साथ में मार्केट है, लोकल मार्केट, उधर का प्रोग्राम आज। तो ये वैसे सोसाइटी है, इधर लोग काफ़ी सारे रहते हैं, और इधर वो दूसरे छोटी छोटी शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं, हर चीज़, रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉप्स हो गई, किसी भी तरह की ज़रूरत की, इवन के कपड़े वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ये वैसे कोई मार्केट वगैरह नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी है, और इधर पास में थोड़ी फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं। इससे ये अंदर वाली रोड है, और इससे जो बैक साइड, ये देखिए सोसाइटी का मेन डोर है ये वाला, इधर से एंट्रेंस है। चार तकरीबन गेट होंगे इसके सोसाइटी के, और इस साइड पे भी ये सोसाइटी। तो इस तरह ये डिफरेंट सोसाइटीज हैं। तो जो इससे आउटसाइड वाली रोड है, उधर फैक्ट्रीज वगैरह हैं कुछ, और ये साथ ये अंदर मार्केट बनी हुई है छोटी सी, हर चीज़ आपको मिलेगी इधर से, दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये है कि हर सोसाइटी में जो है ना, क्योंकि आबादी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो हर सोसाइटी में बाहर जो है आपको हर तरह की चीज़ की दुकान मिल जाएगी, हर तरह की चीज़, इवन कि इधर किंडरगार्टन स्कूल्स हैं वो भी इधर हैं। और सिग्नल तोड़ दिया हमने। अच्छा, इस जगह पे ना शाम को बहुत ज़्यादा रश होता है इस तरह की जगह के ऊपर, क्योंकि ये एक स्क्वायर बना हुआ है, और इधर हर रात के टाइम ना, इधर एक तो बहुत ज़्यादा बच्चों वाली आवाम होती है, जिन खेलने वगैरह के लिए बच्चे बाहर निकले होते हैं, और दूसरा फिर जो लोकल रेडी वाले होते हैं ना, चीज़ें वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हो गए, सब्जी वगैरह हो गए, वो बेचने वाले इधर काफ़ी सारे होते हैं। तो बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल बना होता है, और आज तो वैसे भी वीकेंड है, और दिन के टाइम लोग पार्क में जाते हैं, इस तरह की जगह पर नहीं आते। ये वडैश त्यारा किधर से आ गई? आज जो है, आज मैं आपको एक पार्क में लेके जाने वाला हूँ, सुपर मार्केट में। पहले मैंने आपको दिखाया तो था कि जो चाइना की वो दूसरी मार्केट्स होती हैं, सुपर मार्केट वो किस तरह की होती है, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ इधर लोकल मार्केट में, चाइना की लोकल मार्केट होती हैं। इधर आप बार्गेन भी कर सकते हैं, और तकरीबन हर तरह की जो चीज़ मिल जाती है इस मार्केट से भी, और लेकिन इस मार्केट में देखते हैं हम क्या क्या चीज़ मिल सकती है, हमें इस मार्केट से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, हम क्या क्या खरीद सकते हैं। और आज जो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो चीज़ें हैं सस्ती हैं या महंगी हैं, क्या सीन है, तो ये सीन मैं आपको दिखाऊँगा आज वाली इस व्लॉग में। तो आपने एंड तक देखना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर दें। मैं मार्केट में वैसे पहुँच गया हूँ, तो चलता हूँ लेके आपको। अच्छा, ये वैसे इधर से स्टार्ट हो गई मार्केट इसके, हैं वैसे ओ ओके चिपियम पनंग छीमा ओ इधर से नहीं जा सकते। अच्छा, ये इसका मेन एंट्रेंस है, क्योंकि वो मसला करते हैं, स्कैन करना पड़ता है वो कोरोना की वजह से। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये इस QR को स्कैन करना है, और ऊपर ये अंकल बिठाया हुआ है कि स्कैन करो। अच्छा जी, तो ये इधर आ गए मार्केट में, ये मार्केट है, इधर सात दुकानें, शॉप्स वगैरह, और ये लोकल दुकानें वगैरह हो गई, ये भी दुकान लोकल, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, आटा वगैरह हो गया, और दालें, चीनी, हर चीज़, जो भी इवन के जो चीज़ भी आपको चाहिए, इधर ऑयल वगैरह हर चीज़ की दुकानें, और ये वैसे मार्केट है, ये हो जी, ये फ्रूट्स की दुकानें आ गई, आगे सब्जी की आ गई, और इस साइड पे वही परचून की दुकानें, काफ़ी बड़ी है। घूमना तो नहीं, पहले तो हमने, पहले आपको लेके चलता हूँ चिकन वाली शॉप पे, चिकन वाली शॉप इधर सामने है। किधर गई? शांखोई बुचरी। अच्छा, यही शॉप है, इधर से हलाल मीट मिल जाता है। ये
इधर से निहाओ चीरो शुंग शुंग रो तो ये हलाल चिकन मिलता है इधर उधर इसके ऊपर लिखा होता है चिंगचन मैं आपको दिखाता हूँ ये मीट शॉप है इस तरह मीट ये सारा जो सीन है इसमें सारे ये चिकन के पार्ट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स वगैरह चिश अम्मा जैसे चूड़ा मा ये वो है पोर क्या तो जी ये देखें छिंग जंदा ये लिखा हुआ है इसके ऊपर छिंग जंदा ये मुस्लिम इनके लिए होता है हलाल चिकन होता है ये 65 RMB का है 65 आप खुद भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये 5 kg का चिकन है 65 RMB का तो आप उसको खुद पाकिस्तानी पैसों में कर सकते हैं 65 RMB अच्छा ये 5 kg चिकन हो गया ये इधर भी चिकन में लिखा होता है इधर से भी फिलहाल मिलता है और ये फिर आगे सारी मार्केट और फ्रूट भी तो हर किस्म का मिलता है और फिर इसके बाद आगे सब्ज़ी की हाफ समझ ले हाफ पोर्शन सब्ज़ी का है हाफ जो है दूसरा फ्रूट्स का है अभी एक शॉप है उधर सब्ज़ी वाली उस शॉप पे चलेंगे अभी रश है इस शॉप से हम लेते हैं इस शॉप पे अभी रश है तो ये थोड़ा फ्री हो जाए फिर अब चलते हैं इसके पास ये सारी दूसरी चीज़ें अच्छा आगे भी मार्केट है वैसे अच्छा जो मार्केट का ये वाला हिस्सा है इसमें दूसरी चीज़ें वगैरह आपको मिलेंगी ये बेकरी आ गई केक वगैरह ये मार्केट का दूसरा हिस्सा है इसमें आपको मिलेंगी लोकल परचून की दुकानें सारी मैं आपको वैसे करवा देता हूँ विजिट अच्छा इधर ये सॉसेज वगैरह हो गई और ये आटा वगैरह हो गया और अंडे हो गए मसाले वगैरह हो गए इस तरह की हर चीज़ मिल जाएगी आपको हर तरह का मसाला जो आपको चाहिए वो इधर से मिल जाएगा ये देखें परचून की जैसे पाकिस्तान में होती हैं दुकानें उसी तरह की इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये लोकल दुकानें सारी वो आ गई जो ये मसालों वाली है इस साइड पे ये देखें मिर्चें हल्दी वगैरह पड़ी हुई है मछलियाँ इस तरह खरीदते हैं इधर मछली की जो भी कोई इस तरह की चीज़ हो जो आपको चाहिए हो इधर खुद ही पकड़ो ये सब्जियाँ वगैरह हो गई ये पाकिस्तान में नहीं होती सब्जी और भी काफ़ी सारी हैं इधर ये करेले ये टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ये मशरूम्स इधर जाती हैं ये मशरूम्स हो गए और ये पता नहीं क्या चीज़ है इसका भी नहीं पता ये ग्रीन वेजिटेबल्स में आ गई इसका भी नहीं पता और ये वैसे पालक है इस साइड पे पालक भी है ये जो है इसका नहीं पता हमें ये क्या चीज़ है मूली भी इधर मिलती है और ये गाजर दूसरी चीज़ें थोम वगैरह और ये गोभी वगैरह आलू और ये शलजम और ये इस तरह अच्छा यार बड़ा ख़राब सीन हुआ है मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने वीडियो एक तो वीडियो नहीं बनाने दी मुझे और दूसरा प्राइस का मसला है प्राइस जो है वो नहीं बता रहे कि क्या प्राइस वगैरह क्या है तो मार्केट में हमारे साथ कुछ खासा सीन तो नहीं हुआ क्योंकि एक तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी मैं वीडियो बना रहा था तो सिक्योरिटी ने आके सिक्योरिटी था पता नहीं कौन था उसने आके मुझे रोक दिया और दूसरा जब मैं वीडियो बना रहा था उधर सब्ज़ी वगैरह टैग प्राइस टैग वगैरह पूछ रहा था तब भी उसने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी उसने बोला कि अगर इस तरह करना है तो तुम नेक्स्ट टाइम ना आना मेरी शॉप पता नहीं क्या सीन है तो खैर जो होना था हो गया बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बताए